नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। आप सभी अभ्यास कर रहे होंगे ऐसा मैं विश्वास रखती हूं, और सिर्फ अभ्यास देखना नहीं है, अभ्यास करना भी है। तो आप सभी अभ्यास सिर्फ देखें नहीं, अभ्यास को साथ में करें भी। आज के भी अभ्यास में जैसे आप सभी देख रहे हैं, पिछले काफी दिनों से हम योग का डेली डोज के नाम से छोटे छोटे सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अलग। तो आप सभी इनको फॉलो कीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। रोज कुछ नया रहता है, छोटा मोटा उसमें हम इंक्लूड करते रहते हैं। जैसे कि एक जैसा ना रहे रोज का अभ्यास अलग हो जाए, और आप बोर भी नहीं हो कि रेगुलर एक ही चीज कर रहे हैं, तो उसको आप सभी अच्छे से कीजिए। तो आज के अभ्यास को शुरू करने से पहले आप सभी जानते हैं प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। तो सभी प्रार्थना के लिए अपने अपने आसन पर बैठेंगे। कोई भी आसन इस तरह से अर्ध पद्मासन, पद्मासन आप लगा सकते हैं। कमर गर्दन सीधी करके बैठना है, इसका बहुत इजी एक तरीका है जो मैं यहाँ पे सबको कराती हूँ। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, हाथों की हथेलियां इस तरह से सामने की तरफ, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं, कानों के पास सामने, गर्दन सामने सीधी रखें, होल्ड करके रखें, शरीर को ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ खींच कर रखें और पैरों को नीचे जमा कर रखें। होल्ड करके रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे, हिप मसल्स को ढीला छोड़िए और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने शरीर और अपनी श्वास पर। एक बार बंद आंखों से ही अपने आप को देखने का प्रयास कीजिए। आपके शरीर में श्वास कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, ध्यान पूर्वक उसको ऑब्जर्व कीजिए। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे 3 बार। दोनों हाथों को आपस मिला लें और प्रार्थना को मेरे साथ दोहराएं। ओम असतो मां सद्गमय, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम् शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल लेते हैं। यहीं से पहले अपने ही मैट पर, जैसे हम रोज करते हैं,
कैसे मलासन में बैठने के लिए कैसे कोर की स्ट्रेंथ को यूज करना है और विदाउट एनी सपोर्ट आपको खड़े होना है मैट पर से। तो देखिए कैसे रोल भी करते हैं उसको, अब तो सबको आदत भी हो गई होगी। वन, ऐसे आगे पैर फैलाकर आप इस तरह से नौका आसन का अभ्यास करें। टू, थ्री, ये आपके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। बैठ पर खड़े हो जाए इसको 10-20-30 काउंट्स रोज कीजिए। देखिए कोर में स्ट्रेंथ आएगी धीरे धीरे और आप खड़े होना सीखेंगे मैट पर। फिर ऐसे धीरे धीरे ही आप दंडासन करने, वो मलासन में और दंड लगाना, जो अगर दंड लगा पाते हैं जब कोर में स्ट्रेंथ होगी आप मैट पर अच्छे से खड़े होके अपने बल पर खड़े हो पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है नीचे बैठकर खड़े होने में उनको दिक्कत आती है। तो चलिए आज कुछ इसी श्रेणी के का कौवा चालन और बैठकर कैसे आपको अपने पैरों की, आपके हिप मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए अभ्यास करके अपने अपने मैट्स पर जिस तरह से पहले बैठ जाए कोशिश कीजिए ऐसे बैठने की। अब यहीं से चलना शुरू करेंगे, एक घुटना आगे रखेंगे बारी बारी ऐसे, कमर को सीधे रखने की कोशिश कीजिए। अपने मैट पर अच्छे से 5-7 चक्कर रोज लगाएं, इस तरह से चलना है। लेग से नॉर्मल रखें, एक पैर का घुटना नीचे रखें तो दूसरे का इस तरीके से सीधा रखने की कोशिश कीजिए। कमर सीधी रखने की कोशिश करनी है, एफर्टलेसली अभ्यास कीजिए। पहले रोज चलने का अभ्यास करें फिर धीरे धीरे कमर सीधी कर लेना। नॉर्मल रखेंगे, श्वास साधारणतः भरे और छोड़े और धीरे धीरे इस तरह से चलते जाए। और जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं। धीरे से मैट पर बीच में आइए, दोनों पैरों को ग्रिप कर लें इस तरह से अच्छे से, अपनी जितना शरीर के पास ला सकते हैं उतना पास लाने की कोशिश कीजिए। यहाँ हम प्रैक्टिस के लिए बैठे होते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए, तो अभ्यास करना है अच्छे से। होल्ड करके इसी तरह बैठे, साइड से भी देख सकते हैं, अपने शरीर के जितनी निकट ला सकते हैं पैरों को लाए और कमर को सीधा रखें। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। पैरों को ढीला छोड़ेंगे और यहीं से देखिए दोनों पैरों को सामने की तरफ रखते हुए आपस में पैर हिट कीजिए, अच्छे से शेक करते हैं।
प्रोसेस में खूब अच्छे से हिट कीजिए, थोड़ा ज्यादा देर तक हिट करके। पैरों को आगे पीछे चलाएंगे, इस तरह से आगे पीछे अच्छे से चलाएंगे, जितना आपसे बल पड़ रहा है उतना करें। इन्हेल एक्सेल नॉर्मल रखें। अब जब हम रोटेशन करते हैं तब इन्हेल एक्सेल का ध्यान रखें, इन्हेल करते हुए अपने शरीर की तरफ, एक्सेल करते हुए बाहर की तरफ, इस तरह से पैरों को चलाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से पैरों को बीच में लाइए, पैरों के पंजों को अच्छी तरह से प्रेस करके ओपन एंड क्लोज इस तरह से दबाएं। पैरों को अपने कैरी करते हुए इस तरह से कैरी कीजिए। और ऊपर जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से इसी तरह 1, 2, 3, 4 इन्हेल करते हुए ऊपर लाए, फिर नीचे 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से करेंगे, दूसरा पैर भी इसी तरह से उठा लीजिए ऊपर की तरफ। और ये से खूब, जब मैं यहाँ पर एक एक बार करा रही हूँ, दो दो बार करा देती हूँ, लेकिन जब आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से तीन तीन के सेट बनाइए और रिपीटेशंस को बढ़ा दीजिए। जिनके बॉडी में ज़्यादा स्टिफनेस है उनको रिपीटेशंस बढ़ाने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पैरों को इस तरह से अपने थाई जॉइंट पर लगाइए, पूरा ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, पैर पूरा ऊपर उठा कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को सामने इस तरह से आपस में फिर से हिट कीजिए, अच्छे से हिट करना है और हमेशा कोशिश करनी है सीधा बैठना है। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लीजिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक है शुरू में। इन्हीं से आपको शरीर को पहले जो स्टिफनेस है सुबह शरीर में आ रखी है उसको दूर कीजिए।
पूरा चलाइए पैरों को ऊपर नीचे, इस तरह से पूरा चलाना है जो लोग चला सकते हैं। जिनका बहुत स्टिफनेस है और बहुत नीचे तक पैर नहीं जा रहे हैं तो जहां पर भी अगर आप इतने में हैं तो ऐसे कीजिए, पर कमर को देखिए धीरे धीरे सीधा करें, सीधा करते जाएं धीरे धीरे, कमर जितनी सीधी रहेगी उतना बढ़िया। लगातार इन्हेल एक्सहेल नॉर्मल रखेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा, इस अभ्यास को रोज डेली अगर कर सके तो 5 मिनट कीजिए डेली। चलाइए अच्छे से तितली आसन है, इसको तितली आसन के नाम से, बटरफ्लाई के नाम से आप लोग जानते हैं। पैर बार बार आपके आगे की तरफ जाएंगे, पर आपको फिर से शरीर के पास लेकर आना है और लगातार इस अभ्यास को बनाए रखें। पैरों को नीचे इस तरह जमीन पर, कोशिश कीजिए नीचे की तरफ और शरीर को ऊपर खींच कर रखें, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे उंगली 20 काउंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2,
सामने की तरफ दोनों पैरों को खोलेंगे और धीरे धीरे देखिए थोड़ा जो लोग बिल्कुल थ्री लेवल्स पर हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं बैठ कर, पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आपका टमी फैट भी कम होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, जठराग भी बढ़ती है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए देखिए इसमें तीन लेवल पर हम करेंगे। पहले सबसे पहले पैरों को आगे सीधा कर लें, इस तरह से सीधा करें, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। पश्चिम उत्तानासन आप सभी जानते हो, लेकिन आज हम इसमें थ्री साइड्स बेंडिंग करने वाले हैं। तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, इनहेल कीजिए, पहले ऐसे खींच लीजिए शरीर को ऊपर की तरफ, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। अब यहीं से एक्सहेल करते हुए सामने देखते हुए, सामने देखना है बिल्कुल, इस तरह से माथा लगाने के बारे में नहीं सोचना है बिल्कुल भी, सिर्फ इस तरह सामने देखिए। और जिन लोगों के हाथ बहुत आगे तक नहीं जा पा रहे हैं, कई बार ऐसा है कि इतना ही जा रहा है, तो यहीं पर रुकना है, सामने देखना है, माथा लगाने की कोशिश पैर पर नहीं करनी है। पहले आपका अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 10 काउंट करेंगे, 3, 4, 5, श्वास करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, 6, लोअर बैक से बेंड करेंगे, 7, 8, 9, 10। अब यहां पर आप सामने देखते हुए जिन लोगों के हाथ जो हैं आगे जा रहे हैं, पैर से आगे चले गए हैं, इस तरह देखिए मेरे पैर यहाँ पर है, मेरे हाथ पैरों से आगे हैं, वो लोग धीरे धीरे इस तरह नीचे झुकते हुए आपका, देखिए पहले आपका जो टमी है वो आपके थाइस पर लगना चाहिए, यहाँ लग रहा है टमी यहाँ पर, देन आप माथे के बारे में सोचेंगे, मस्तक लगाने के बारे में सोचेंगे।
इस तरह हाथों को देखिए पोजीशन। अब यहाँ से अपने अंगूठों को ग्रिप कीजिए, हाथों को कोहनियों को नीचे लगाने की कोशिश करें। फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। सामने देखते हुए दोनों हाथों को इस तरह इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को और सीधा धीरे से हाथों को नीचे लें। अब इन्हीं पैरों में आप इस तरह से गैप बनाएंगे, देखेंगे कैसे। इस तरह का गैप रखेंगे, पैरों को शेक कर लीजिए, लेग्स को शेक कर लें, अच्छे से शेक करें और इस एंगल पर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अब देखिए मैंने पैरों को खोल लिया है, साइड से ये देखिए इस तरह से इतना खोलेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए एक से जिस तरह आपने फ्रंट पे किया था ऐसे ही अब साइड में करेंगे। टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। नेक्स्ट टाइम होल्ड करने के लिए उसी तरह से देखिए सामने देखते हुए ग्रिप करेंगे, अपने पैरों को ग्रिप कीजिए, होल्ड करें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। धीरे से हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करें, फिर से वापस सामने से भी आप देख लीजिए क्लियर रहेगा आपको। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग की साइड में इस तरह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। होल्ड करेंगे इस टाइम, इस बार होल्ड करेंगे टेन काउंट। इस तरह से क्लिक कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स, दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए इस तरह से ग्रिप बनाते हुए स्ट्रेच करें, होल्ड करके रखें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। हाथों को नीचे लें। नेक्स्ट के लिए पहले दोनों पैरों को आप इसमें जोड़ लीजिए, थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे क्योंकि आप पैरों को खोला है। जब हम लेग्स अपार्ट करते हैं पैरों को खोलते हैं तो स्ट्रेच आता है, उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिलीज नहीं करेंगे तो दिन भर में पेन रहेगा, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं उनको ध्यान रखना है। अच्छे से बटरफ्लाई करें सभी,
इसका नेक्स्ट लेवल करेंगे। अब पैरों को आप अपने इस तरह से साइड में खोलिए। अभी आपने पहले फ्रंट में खोला था, फिर इस तरह से लेटरल बेंडिंग, वैसे आपने तिरछा खिंचा दिया, अब आप इसमें साइड से लेंगे। ये अब जब हम करते हैं तो इसमें आपकी कमर के जो आसपास का फैट है ये भी रिड्यूस होता है, स्ट्रेच बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग होती है इसमें, स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है ये प्रैक्टिस। अच्छे से स्ट्रेच करना सीखिए। स्ट्रेच करेंगे तो मांसपेशियों में जो जकड़न होती है वो खत्म होती है। जब मांसपेशियों से सिकुड़न जकड़न खत्म होगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, ब्लड का सप्लाई शरीर में सभी का छोटे छोटे सूक्ष्म मांसपेशियों में सब जगह पहुँचता है और आपका रक्त संचार बढ़िया हो जाता है। चलिए कैसे करना है इसमें भी आप देखिए, इसमें क्योंकि साइड में है और तिरछा खिंचाव बहुत अच्छा आने वाला है, तो आपको क्या ध्यान रखना है थोड़ा प्री प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे ही इसमें एक हाथ को आप ऊपर रख लीजिए, इनहेल एक्सहेल करते हुए, वन टू थ्री। अब जरूरी नहीं है कि अगर मैं इतना नीचे तक जा पा रही हूँ तो शायद आप भी जा रहे हो, तो आप जितना जा सकते हो उतना जाइए, इस तरह से इतना भी कर सकते हैं। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब जब टेन काउंट पूरा कर लीजिए, ये प्री प्रैक्टिस है, उसके बाद अपने अंगूठी को इस तरह से ग्रिप करके हाथों की कुंडलियों को आगे बिठाएं, तब बेंडिंग अच्छी हो जाएगी। और यहां से होल्ड करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आराम से पैर को फोल्ड करते हुए या इस तरह से आगे उठते हुए लेग्स को शेक कीजिए। आप यहां से दूसरे पैर को तिरछा खिंचाव देंगे, ये इस तरह से साइड बेंडिंग है। आप चाहें आगे वाला पैर इस तरह से, मैंने जैसे भी खोल के रखा था आप खोल कर रख सकते हैं, या इस तरह से आप इसको बेंड कर लीजिए ये, और इसे पूरा साइड में खोल के रखें, बेंड भी कर सकते हैं खुला भी छोड़ सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, जितना नीचे आप जा पाए उतना जाने की कोशिश कीजिए, सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब यही से होल्डिंग के लिए अंगूठे को ग्रिप करेंगे, कुंडलियों को इस तरह से आगे कर लीजिए, अपना दाया हाथ पीछे से इस तरह लाते हुए बाएं पैर के अंगूठे को ग्रिप करें, होल्ड के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। धीरे से स्लोली दोनों पैरों को आपस में, पैरों के तलवों को आपस में मिलाएंगे और बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई थोड़ी देर तक कीजिए ताकि पैरों में किसी तरह का खिंचाव ना रह जाए और आप इसमें पैरों को
सामने रखते हुए लेग्स को शेक करना है और हिट करना है। हैंड शेक करें, शेक कीजिए और हिट करें वापस। एक हम अभी बैकवर्ड बेंडिंग का भी फॉरवर्ड बेंडिंग किया है, हमने बैकवर्ड का भी करेंगे। पूछ आसन के लिए पहले हम पी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आसन हम जो है आसन करने जा रहे हैं पूछ आसन। पूछ आसन के अभ्यास में ध्यान रहे, जिन लोगों का घुटनों में दर्द रहता है उनको पूछ आसन नहीं करना है। और उष्ट्रासन करने से पहले एक बार जरूर से कैट एंड कैमल पोज का आप अच्छे से अभ्यास करें और उसके बाद कीजिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वज्रासन में आ जाए, जो मेरे साथ रोज अभ्यास कर रहे हैं उन लोगों को अच्छे से मार्जरी के बारे में पता है, मार्जरी और कैसे हम कैट एंड कैमल पोज करते हैं। फिर भी जो नए अभ्यासी हैं उनके लिए आप घुटनों के पास अपनी कोहनियों को इस तरह से, ये नाप है परफेक्ट नाप हो जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होते हैं कि कितनी दूर आपको हाथों को रखना है। ये एक हाथ का नाप आप यहाँ से ले लीजिए इस तरह से, यहीं से आप शरीर को इस तरह से आगे लेकर आएंगे। अब आपके लेग्स और आपके हैंड एक जगह पर बिल्कुल स्टक, अब हिलना नहीं है यहाँ से, सिर्फ कमर का देखेंगे, स्पाइनल मूवमेंट है। कमर को इस तरह से नीचे रखें, गर्दन को ऊपर, आईब्रो सेंटर पर देखें, एक्सहेल करते हुए इस तरह हंच बनाएं, गोल बनाएंगे, पूरा हंच बनाएं, खींचे अपनी स्पाइन को। इधे एक्सहेल, इधे श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास करें, छोड़ें। अपने अपने मैट्स पर इस तरह से पहले आकर बैठ जाएं, यहीं से आपको देखिए इस तरह मैट पर खड़े हो जाएं। और हम पहले जैसे हमने हर प्रैक्टिस से पहले हमने क्या किया है, प्री प्रैक्टिस किया है, इसमें भी प्री प्रैक्टिस करेंगे। क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से कमर के पास सेट कीजिए, इस तरह से कर लो, श्वास भरते हुए इस तरह पीछे झुके, श्वास छोड़ते हुए इन्हेल, एक्सहेल, श्वास भरें, श्वास भरें, छोड़ें। हर बार इसी तरह से पहले की प्रैक्टिस कीजिए, शोल्डर्स को रोल करके पीछे की तरफ खींच के रखना है, इन्हेल, एक्सहेल, धीरे से अपने अपने मैट्स पर वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठेंगे और जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसके प्रभाव को अपने शरीर पर देखें। बिल्कुल शांत मन से
थोड़ी देर रुक कर वज्रासन में बैठ कर ऑब्जर्व कीजिए, जो भी आपने प्रैक्टिस किए हैं उसको ध्यान से देखिए। अगले अभ्यास के लिए अपने मन को तैयार करें। मैंने आपको योग में तीन नियम बताए थे कि पहला श्वास प्रश्वास पे ध्यान देना है, दूसरा आपका अभ्यास लयबद्ध होना चाहिए, लयबद्ध कब होगा जब आप उसको डेली करते हैं, तीसरा अपनी क्षमता अनुसार कीजिए, यानी आपका जितना शरीर आपको अलाउ करता है आपका अभ्यास उतना ही होना चाहिए। तो ये तीन चीजों को, बेसिक्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इसको पकड़ के करना है। अब नेक्स्ट के लिए हम एकदम से मैं आसन नहीं करवाती हूँ, पहले हम प्री प्रैक्टिस करते हैं और फिर आसन करवाते हैं। चलिए अब एक अभ्यास आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए हाथों को रोल करते हुए पैरों की एड़ियों को इस तरह से उठा कर रखिए, खड़ा रखेंगे। करना क्या है, इस तरह ग्रिप करना है, दूसरे हाथ से दूसरी एड़ी को ग्रिप कीजिए। अब उसके बाद कमर को धीरे 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 आगे की तरफ पुश करना है, ऐसे पुश करें, होल्ड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से मैट पर दोनों पैरों को खोलेंगे और धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ रिलैक्स करें। आपके हिप्स के पर आपकी एड़ियां लगनी चाहिए, देखिए मेरी अभी ऐसे आगे करेंगे उठ जाएगी, लेकिन मैं इसको उतना ही अपने हाथों को स्ट्रेच करूंगी कि मेरी एड़ियों पर मेरे हिप्स टच करें। 10 काउंट होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से मैट पर फिर से पैरों को आपस में जोड़ लेंगे और सेकेंड राउंड के अभ्यास के लिए उच्चासन के अभ्यास के लिए तैयार। अब की बार पैरों की एड़ियों को इस तरह से खड़ा न रखकर ऐसे नीचे और धीरे से इस बार हाथों को अपने तलवों के पास ले जाइए, इस तरह से दोनों साइड से और कमर को आगे की तरफ पुश करें, होल्ड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस उसी तरह से मैट पर, यह आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, उच्चासन का अभ्यास। टेन काउंट होल्ड करके रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने मैट्स पर दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और एक बार फिर से क्या कहते हैं कैमल पोज का अभ्यास करेंगे। नाम ले लीजिए, इनहेल इस तरह पूरा अच्छे से, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें,
चोली में। श्वास भरी अपने अपने मैट्स पर बैठेंगे। दोनों पैरों को आगे रखते हुए तिरछा इस तरह झुकाएंगे। एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3। एक्सेल करना है, पैरों को झुका के जब ट्विस्ट करें एक्सेल। 4, अंतिम अभ्यास है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने मैट्स पर किसी भी एक आसन का चुनाव कीजिए। बैठेंगे कमर गर्दन सीधी करके, आंखें बंद, सिर्फ और सिर्फ दृष्टा भाव से मैं आपको देखें। जैसे आप किसी और को देखते हैं वैसे स्वयं को देखें। देखिए आपके शरीर में श्वास कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, क्या हलन चलन है, ऑब्जर्व कीजिए। जो भी आपने अभ्यास किया उसका शरीर पर क्या प्रभाव है उसे भी देख जाए। एक बार ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे और फिर शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं, अपनी आंखों में अपनी हथेलियों को, अपनी हथेलियों में अपनी आंखों को खोलें। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आए और शांत होकर, अभी तो हम यहाँ पर प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जब अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो इतने अभ्यास के बाद थोड़ी देर प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम में मैंने बहुत सारे सेशंस किए हैं। हम ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं, आपको समझ में आ रहा है तो सिर्फ अपनी ब्रीथ पर फोकस करें। इनहेल एक्सहेल सजगता के साथ कीजिए। इनहेल करें, थोड़ी देर हो सके होल्ड करने की कोशिश कीजिए और फिर एक्सहेल करें। जिन लोग को हाई बीपी रहता है या सांस का प्रॉब्लम है वो होल्डिंग ना करें, वो सिर्फ इनहेल एक्सहेल कंटिन्यूसली सजगता के साथ लंबा धीमा व गहरा करने की कोशिश करें। आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखें, अभ्यास रेगुलर रखें और आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।